नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आखिरकार 17 महीने यानी करीब 1.5 साल बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। जी हाँ, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया और ईडी की बहस सुनने के बाद मंगलवार यानी 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जहां आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आखिरकार मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। लेकिन सिसोदिया को ये जमानत कई शर्तों के साथ दी गई है। क्या है वो शर्तें, आइए जानते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। अभी मनीष सिसोदिया तिहाड़ के जेल नंबर 1 में बंद है। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक जेल में जब बेल का ऑर्डर आएगा, जमानती साथ आएंगे और बेल बॉन्ड भरा जाएगा, तब उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने सिसोदिया को कुछ शर्तों पर जमानत दी है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही दो बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में आकर हाजिरी लगानी होगी। वहीं सिसोदिया की जमानत पर नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया की जमानत पर संजय सिंह ने कहा, ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। गौरतलब है कि सीबीआई ने सिसोदिया को पिछले साल यानी 26 फरवरी 2023 में भ्रष्टाचार के मामले में और ईडी ने उन्हें उसी साल 9 मार्च को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली के हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। सिसोदिया ने मुकदमे के लंबे समय तक चलने पर जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को सिसोदिया और ईडी की बहस सुनी थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए थे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।